हेलो गाइस व आई होप यू आर डूइंग फाइन दिस इज़ मी मीर वहीद एंड टुडे आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द बायो बायो डाइवर्सिटी मींस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट अब आज से मैं क्या करूँगा एक दिन में इकोनॉमिक्स होगा दूसरे दिन होगा एनवायरनमेंट अब हम पहले ले, इनको लेकर चलेंगे क्योंकि इस ऐसा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एक साथ इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो दिया हुआ है तो दोनों को कवर करना पड़ेगा ना कि हम एक ही कंपोनेंट पे फोकस करके चलेंगे ठीक है सो देट आप दोनों कंपोनेंट को टच में रहोगे सो so देट जब आप कुछ टाइम बाद इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा उसके साथ आपका इकॉलेज वाला टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा ठीक है और उससे बोर भी नहीं हो जाते क्योंकि जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको क्या रहेगा टच रहेगा उससे क्या हो जाएगा उससे आपका जो है पढ़ने में भी मज़ा आता है और चीज़ें याद भी रहती हैं अब कल दिन को आपको क्या करना है आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ कल दिन को आपको जो भी मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपको उनको उस चीज़ को फिर से रिवाइज करना है क्योंकि देखो की एग्जाम के लिए की एक ही चीज़ होता है वो होता है रिवाइज जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको फ़ायदा है अगर आप साथ साथ रिवाइज करते हो फिर लास्ट पर उतना बर्डन आपको नहीं बढ़ेगा रिव्यूजन के लिए भी लास्ट पे आपकी चीज़ें मिक्स नहीं हो जाएगी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल दिन आप पूरा जो भी तीन टॉपिक्स थे फिजिकल पॉलिसी मोनिटरी पॉलिसी और आर बी आई जो था पूरा कंप्लीट करो फिर से रिवाइज करो ठीक है क्योंकि परसों से जो कल से जो हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स को वो माइक्रो वाला पार्ट स्टार्ट होगा तो इसीलिए इन चीज़ को इस इस पोर्शन को पहले कंप्लीट करो रिवाइज़ करो नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स और साथ साथ रिवाइज करो फिर क्या हो जाएगा फिर बताऊंगा मैं फिर आप उन चीज़ों को कब रिवाइज़ करोगे फ़िलहाल कल का रिवाइज़ आप करो फिर बताऊंगा मैं यही से आपको कि रिजर्न वाला डेट कब रखना है उस सब का फिर से ठीक है ना तो और इकोलॉजी इन्वामेंट का भी क्या करोगे फिर परसों जो है जो भी हमने इन्वामेंट का पढ़ा था इकोलॉजी का पहले पहले दो तीन लेक्चर जो आए थे चार लेक्चर उसको रिवाइज करना है परसों वाला डे ठीक है क्योंकि मैंने खुद प्लान रखा है आप लोगों के लिए कब कब रिवाइज करना है? क्योंकि अगर आप माइक्रो में घुस जाओगे अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप ये भूल जाओगे फिर से जल्दी भूल जाओगे क्योंकि ज़्यादा इंसान को याद नहीं रहता उस टाइम याद रहता जब पढ़ते हम लेकिन अगर दो तीन बार रिवाइज़ करेंगे साथ साथ तो फिर बहुत कुछ याद रहेगा उससे तो इसलिए आपको कल का असाइनमेंट यही रहेगा आपको एक तो आप ती, उन, उन तीन तीन टॉपिक्स को कवर करोगे अच्छे से हर एक टॉपिक को फिर से रिवाइज करोगे और उन पी को देख कर और जो मैंने आपको बताया था एम वाला सेशन पी डी होगा उन एम को फिर से आप खुद प्रैक्टिस करोगे क्योंकि एम से आप, चीज, आप MCQ से, MCQ चीज़ अब आपको एम से एम जब पढ़ोगे वो चीज़ें याद हो जाएंगी ठीक है उससे बहुत हेल्प मिलेगी फिर परसों आप इकोलॉजी स्टार्ट करो उसका रिवाइज करो फिर बताऊंगा मैं नेक्स्ट रिवाइज कब होगा चलो हम स्टार्ट करते हैं आई एम प्रेजेंटिंग दिस करते हैं देखो ये पोर्शन ये जो है ये मैंने शायद आपको पीडीएफ में दिया था पिछली पीडीएफ में इसमें से आपको क्वेश्चन एस में कैसे बन सकता है ये मैं एक ही मिनट में यहां पर पढ़ाऊंगा ये वाला पोर्शन जो है इसके बाद एक मिनट के बाद हम करेंगे स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी अच्छे से कॉम्प्रेंसिव तरीके से आराम से पढ़ेंगे हमें कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि चीज़ों को एक ही बार समझेंगे हम बार बार पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है तब हम अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं तो, ज, क्योंकि हमें याद तो करना नहीं है हमें चीज़ों को समझ कर चीज़ों को समझेंगे तभी हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद रहेगा फिर तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स को बोला है मैंने लिखा यहाँ पर स्पीशीज़ का नाम एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ और इनका इंट्रैक्शन आपस में अब उनको बोल, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है इकोलॉजी का पार्ट था यहां पर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टेबल से एक क्वेश्चन सबसे पहली बात म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है ठीक है प्लस मैंने लिखा एक जगह पर प्लस दूसरा लिखा प्लस जब मैं नीचे आता हूं कंपटीशन में लिखता हूं मैं दोनों को नेगेटिव करता हूं तीसरा आता हूँ मैं प्रीडिएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन है पैरास्टिज्म में आता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है, में आता जब पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है इसका मतलब स्पीशीज ए डिपेंड है किसके ऊपर स्पीशीज बी के ऊपर और स्पीशीज बी जो है वो स्पीशीज ए के ऊपर डिपेंड है मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो दोनों को फायदा होता है बी को भी ए की वजह से फायदा होता है और ए को भी बी की वजह से फायदा होता है इसको हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म अब आपको खुद काम क्या करना है जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है वहां पर आपको म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल आपको याद रखना है क्वेश्चन आएगा वहां पर एग्जांपल लिखा होगा आपको ऊपर टॉपिक में क्वेश्चन में लिखा होगा एग्जाम्पल फिर बताया जाएगा कि ये एग्जाम्पल जो है ये इंट्रेक्शन जो है कौन से इंट्रेक्शन है क्या ये म्यूचुअलिज्म है क्या ये कंपटीशन है बात समझ में आ रही आप पीडीएफ से खुद नोट करके दोनों को फायदा होता है इसलिए और स्पीशीज बी आता है तो दोनों को क्या होता है जब एक क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के दोनों को नुकसान होता है ठीक है किसी को फायदा नहीं होता है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव यहां पर है क्योंकि ये कंपीट करते हैं किसी चीज के लिए उसमें से दोनों दोनों लोगों का नुकसान ही होता है प्रीडिएशन का मतलब होता है एक डोमिनेंट रहता है और दूसरा नेगेटिव होता है इसका मतलब ये होता है एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है इसको हम क्या नाम बोलते हैं इसको हम प्रिडियन बोलते हैं उसके बाद मैंने बोला पैरासिटिज्म 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 और प्रीडिएशन जो है ये एक ही है यहाँ पैरासिटिज्म में मैं में मैं मैंने बोला एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव और पैरासिटिज्म में भी क्या है एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है इसके एग्जांपल्स भी आपको नोट डाउन करना है कमेंसेलिज्म का मतलब क्या होता है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एक पॉजिटिव दूसरा सॉरी दूसरा जीरो है ये किस में है कमेंसेलिज्म में थर्ड इज एमेंसलिज्म एमेंसलिज्म में एक नेगेटिव है और दूसरे का कोई फायदा नहीं है एक को नुकसान होता है दूसरे को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है जीरो का मतलब होता है ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है इसका मतलब होता है जीरो तो यहां पर मैंने लिखा में एक नेगेटिव है एक जीरो है दैट मीनस एक को नुकसान होता है दूसरे को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है मैंने कमेंसलिज्म पॉजिटिव लिखा है और यहाँ से जीरो लिखा है एक को फायदा होता है दूसरे को ना तो फायदा ना तो नुकसान अब यहाँ पर पैरासिटिज्म में एक मैंने नेगेटिव को फायदा होता है और, जाता है और आ, बी को भी हार्म पहुंच जाता है जब ये क्या करते हैं इंट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करेंगे दोनों को फायदा होता है अब क्वेश्चन आपको करना है क्या आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स इनके सामने रखना है आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी इसका मतलब आपको समझना है कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है किसने कहाँ से टर्म दिया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का इसमें देखेंगे उसका क्या कहना है रिलेटेड टू तो बायोडायवर्सिटी राइट फोकस रखो कंसंट्रेट करो चीजों को यही पर समझो याद करते जाओ ये जब मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट करूंगा ये टॉपिक उसके साथ ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसी टाइम पीडीएफ को पढ़ो आपको याद हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑल द टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म एक लाइफ फॉर्म एंड मरीन लाइफ फॉर्म इन दियर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी समझ इसका मतलब क्या होता है बोला जाता है डाइवर्सिटी किन की डाइवर्सिटी टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स की डायवर्सिटी मतलब वो लाइफ फॉर्म्स जो कि किस पे रहते हैं लैंड के ऊपर रहते हैं ठीक है वो लाइफ फॉर्म जो किस में रहते हैं पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं हम एकटिक जो कि वाटर में रहते हैं ठीक है और मरीन लाइफ फॉर्म जो कि ओशंस में रहते हैं सी के अंदर रहते हैं ठीक है उनका इंट्रैक्शन जो होता है किन के साथ अपने हैबिटेट के साथ जहां पर वो रहते हैं ठीक है इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं हम बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स होती हैं या जो भी एकवेटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं या जो भी मरीन लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनका जो इंट्रेक्शन किसके साथ रहता है अपने नेचुरल हैबिटेट के साथ उसको हम क्या नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं हम बायोडाइवर्सिटी जो भी लाइफ फॉर्म्स होती है वो प्लांट्स की बात करें जो कि लैंड के ऊपर प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वाटर में जाएंगे वहाँ पर भी प्लांट्स हैं वहाँ पर भी फाइटो प्लेटॉम्स जू लार्ज फिश हैं स्मॉल फिश हैं उस जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो भी लाइफ फॉर्म्स पॉसिबल है वाटर में जो भी लाइफ फॉर्म्स पॉसिबल है लैंड के ऊपर उन सब को मिलाकर क्या बनता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायो का मतलब होता है लाइफ आरी बात समझ ये होगी एक डेफिनेशन जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा एसएसबी के लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्चुअल सिर्फ टर्म का ही यूज किया है इसने ठीक है इसने एक टर्म दी है जिसको नाम रखा गया एंड वाज पॉपुलराइज बाई इकोलोजिस्ट ईफ विल्सन विल्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया है टर्म का नाम किसने दिया है बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया है वो दिया है वाल्टर जी ने और इस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया इकोलॉजिस्ट e. और था जिसका नाम है थॉमस ई लाव जॉय थॉमस ई लाव जॉय यूज टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इस टर्म को यूज किसने किया वो किया है लव जॉय ने थॉमस ई लव जॉय ने इस टर्म को यूज कब किया है 1980 में बात समझ में आ रही है तो दैट मींस टर्म किसने दिया है वॉल्टर जी रोशन ने पॉपुलराइज किसने किया है ई ओ विल्सन ने इस टर्म को किसको इकोलॉजिस्ट थॉमस ई लव जॉय ने यूज द टर्म बायोलॉजिकल इसने टर्म कि, किस टर्म का यूज किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ठीक है देखो यहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना कि बायोडाइवर्सिटी समझ आ रही है बात यहां पर टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया है वाल्टर ने 1986 में इस टर्म को किसको बायोडाइवर्सिटी को ना कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी को क्या कि, किसने पॉपुलराइज किया विल्सन ने लेकिन इस इकोलॉजिस्ट थॉमसन ई लव जो है बायोलॉजिकल टर्म का यूज किया है ना कि बायोडाइवर्सिटी का ठीक है है तो इसका मीनिंग एक ही है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही है लेकिन टर्म का यूज जो किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो किया है ई लव जॉय ने इसको याद रखना है अब एज पर यू एन ई पी बायोडाइवर्सिटी इज द टोटलिटी ऑफ जीन्स स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इन एन एरिया एक एरिया में हम देखते हैं जीन्स उस एरिया में स्पीशीज की हम बात करते हैं और उस एरिया का जो है जो भी इकोसिस्टम है वो उसको हम क्या नाम देते हैं बायोडायवर्सिटी ये किसकी डेफिनेशन है ये किसके हिसाब से है यू एन ई पी अब क्वेश्चन आपको क्या आएगा एस एस में आपको बोला जाएगा एज पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसको याद रखना यू एन ई पी की फुल फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इन्वायमेंट आप पढ़ रहे हो तो दैट मीन आपको ये टर्म्स भी पता होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस

एग्जाम के लिए कि कितने एलिमेंट्स होते हैं सभी जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है इससे आप को किसी भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते हो और हाँ एक चीज करो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक लाइक करो 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 और इसको शेयर अभी करो सबसे पहले और फ्रेंड्स को भी शेयर करो उनको भी फायदा होगा जब आप दूसरों को फायदा दोगे ना तो आपको भी फायदा अपने आप हो जाएगा इसलिए एक काम करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स में सो so देट वो भी उनको फायदा हो जाएगा ठीक है तो कितने एलिमेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी में तीन एलिमेंट्स हैं जीन्स स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम जब यूएनईपी ने बोला कि बायोडावर्सिटी जब हम बात करते हैं हम टोटल जितने भी जीन्स होते हैं जितने भी स्पीशीज़ होती है और जितने भी इकोसिस्टम होते हैं और अब यही इन जीन्स स्पीशीज़ और इकोसिस्टम के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं ये एलिमेंट्स बनते हैं बायोडावर्सिटी क्वेश्चन आएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं बायोडावर्सिटी के आपको बोलना है

थ्री टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक डवर्सिटी का मतलब क्या होता है जीन्स के हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींगस है एक एरिया में या एक एरिया में डॉग की बात करते हैं या ह्यूमंस की बात करते हैं या किसी भी एनिमल की बात करते हैं यहाँ पर अब जो भी स्पीशीज की हम बात करते हैं किन की किन की जीन्स की बात करेंगे ह्यूमन ह्यूम की जीन्स की हम बात करते हैं या डॉग स्पीशीज जो हैं इनके जीन्स को हम देखते हैं या एनिमल स्पीशीज़ हैं इनके जीन्स के बारे में जब हम देखते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ जीन्स के बारे में यही इसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी तो रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ जीन्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलेगा विद इन ए सेम स्पीशीज़ एक ही स्पीशीज फॉर होमोस्पियन में देखेंगे तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा जीन्स हम देख सकते हैं उनके फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी बिटवीन होमोस्पियंस होमोस्पियन जो है ह्यूम जो है उनके बीच में जो है बायोडाइवर्सिटी हम बात कर सकते हैं उनके जीन्स के बेसिस पे नेक्स्ट है स्पीशीज डायवर्सटी स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब जब हम किसकी बात करते हैं स्पीशीज की बात करते हैं है. तो दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज रेफर्स टू ए वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन ए रीजन कितने वाइटीज़ हैं स्पीशीज़ के एक रीजन में ए बी सी डी बात समझ में आ रही है दैट मीन्स यहाँ पर अब डॉग्स की स्पीशीज़ भी है ह्यूमंस की भी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की भी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की भी स्पीशीज़ है ये सब स्पीशीज़ को मिलाकर हमें क्या बनता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़ स्पीशीज़ रिचनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब क्या होता है क्वेश्चन आपको आएगा कि स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो है इसको हम कैसे मेजर करते हैं आपको बोलना है स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज रिचनेस

टेन के है टेन थाउजेंड टू ह्यूम की बात करेंगे डॉग स्पीशीज़ की बात करेंगे सपोज फाइव के की बात करेंगे कैट की स्पीशीज़ देखेंगे टू हंड्रेड फिफ्टी जो है कैट स्पीशीज़ है तो एक एरिया में इन डिफरेंट स्पीशीज़ को हम जब देखते हैं इसको हम नाम देते हैं हम स्पीशीज़ रिचनेस अभी समझाऊंगा आगे आ, आगे में डायग्राम में नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ जीन्स के बारे में हम बात करते हैं और स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट स्पीशीज हम देखते हैं एक एरिया में अब क्वेश्चन है यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है आपको बोलना है स्पीशीज रिचनेस क्वेश्चन आएगा कि वट डू यू अंडरस्टैंड स्पीशीज रिचनेस आपको बोलना है रेफर्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया एक यूनिट एरिया में कितनी स्पीशीज थी जैसे मैंने अभी बोला ह्यूमन के कितना था ट्वेल्व थाउजेंड कितना कितना था का कितना था कैट का तो ये thousands में 12, 5 कितना हो गया? 17. 17, to 250 जो है है ठीक टोटल स्पीशीज किसकी थी इस एरिया में टोटल स्पीशीज हम काउंट करते थे नंबर, क्योंकि नंबर हमें करना है। उसके बाद species evenness, या species इक्वेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है क्वेश्चन आएगा स्पीशीज इवेंस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पीशीज इक्वेटिबिली इवननेस का मतलब होता है एक जैसी स्पीशीज एरियाज में हम देखते हैं सपोज ये मैंने एक एरिया लिया दूसरा एरिया लिया यहाँ पर मैंने वन लिखा यहाँ पर टू लिखा यहाँ पर थ्री लिखा यहाँ पर फोर लिखा अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन जब मैं स्पीशीज को देखता हूँ यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर थ्री और फोर स्पीशीज है यहाँ पर थ्री और फोर स्पीशीज इसको हम क्या नाम देते हैं एक जैसी स्पीशीज देखने को मिल रही है ठीक है उसको हम क्या नाम देते हैं स्पीशीज अवेयरनेस आगे मैं डायग्राम से दिखाऊंगा आपको फिलहाल आप इतना समझो कि स्पीशीज अवेयरनेस स्पीशीज इक्विटेबिलिटी का मतलब क्या होता है रेफर्स टू द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज स्पीशीज इन एन कितने कितने एक एरिया में के हैं जैसे मैं यहां पर लिखता हूँ वन यहाँ पर मैंने ए लिखा यहाँ पर बी लिखा मैंने यहाँ पर ए लिखा मैंने फिर से यहाँ पर सी लिखा यहाँ पर बी लिखा मैंने यहां पर मैंने फिर से सी लिखा ये यहां पर फिर से ए लिखा फिर से ए लिखा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ मैंने लिखा ए ए ए ए कितने हैं है, चार है पर बी कितने हैं दो है और सी कितने हैं टू है तो दैट मीन जब मैं देखता हूं किसके अबेंडेंस इसमें ज्यादा है आपको बोलना है स्पीशीज ए ज्यादा है इसकी नम, इसका नंबर जो है यहाँ पर ज्यादा आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर क्या बोल सकते हो इसको स्पीशीज एवेरनेस बोलते हैं यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पर रेफर्स टू रिलेटिव एबेंडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया बात समझ में आ रही है अब डायग्राम से आप समझोगे मेरा कहने का मतलब क्या है देखो मैंने दो एरियाज को लिया यहां पर एक सैंपल एरिया फर्स्ट है सैंपल एरिया सेकंड है इस सैंपल एरिया में फर्स्ट में मैंने क्या क्या लिखा है मैंने इस सैंपल एरिया फर्स्ट में मैं आपको दिखाता हूं मैंने लिखा स्पीशीज ए स्पीशीज ए स्पीशीज बी बी सी सी ध्यान से देखो ये हो गया एक पार्ट दूसरा मैंने लिखा यहां पर ए ए ए और बी और सी लिखा मैंने जब मैं इस एरिया में देखता हूं किस में एरिया फर्स्ट में और ये एरिया सेकंड। जब मैं एरिया फर्स्ट में देखता हूं एरिया फर्स्ट हैज ग्रेटर स्पीशीज एवेरनेस एरिया फर्स्ट में क्या है ग्रेटर स्पीशीज इवननेस है क्योंकि यहां पर स्पीशीज इवननेस क्यों ज्यादा है क्योंकि यहां पर देख रहा है ए भी इक्वल रिप्रेजेंट करता है बी की दो स्पीशीज है सी की दो स्पीशीज है दैट मीनस यहां पर स्पीशीज इवननेस सिंपल ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंपल बी में ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हर एक स्पीशीज के फॉर जितने डॉग्स है उतने कैट्स है ये भी इक्वली रिप्रेजेंट करता है ये भी इक्वली रिप्रेजेंट करता है, करता है जब एक एरिया में स्पीशीज इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं उस एरिया की ज़्यादा होती है क्या स्पीशीज इवननेस होती है एज कम एज ईच स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड यहाँ पर क्या करते हैं इक्वल चांस ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं यहाँ पर सिर्फ इस एरिया में स्पीशीज ए ज़्यादा क्या दिखा रहा है अपने अबेंडेंस दिखा रहा है बात समझ में आ रही है यहाँ पर ए दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर तीनों दिखा रहे हैं तो में 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 अब होगा होगा क्योंकि तीनों के तीन first में क्या दिखा रहे हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पर सेकेंड में कौन दिखा रहे हैं सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ए ही रिप्रेजेंट करता है इसको हम क्या नाम देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इवननेस बात समझ में आ रही है तो ये हो गया आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा और जब मैं इन सबको मिलाऊंगा इसको भी मैंने मिलाया और इसको भी मैंने मिलाया या इस एरिया में मैंने स्पीशीज को देखा टोटल स्पीशीज कितनी है यहाँ पर सेक्स हो गया और यहां पर भी सेक्स हो गया दैट मीन्स इस एरिया में एरिया फर्स्ट में सेक्स है तो ये हो गया टोटल टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज और इस टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को यह नाम दिया जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी कि यहाँ पर मैंने लिखा रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इस यूनिट एरिया में सेक्स स्पीशीज है ये हो गया टोटल

यहाँ पर मैंने ग्रास इकोसिस्टम की बात की मैंने डेजर्ट्स की बात की कोरल रीफ्स की बात की तो मैंने एक अलग अलग तरीके से क्या किया एक इकोसिस्टम को ही ले लिया जब मैं एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेता हूँ दैट मीन्स वो किसकी डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है जब मैं डाइवर्सिटी लेता हूँ जब ग्रास इकोसिस्टम की मैं बात करता हूँ तो दैट मीन्स वो किसकी डाइवर्सिटी दिखाता है सिर्फ और सिर्फ ग्रास इको की डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं यही लिखा है मैंने रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स लाइक फॉरेस्ट ग्रास डेजर्ट कोरल रिफ्स एक एरिया में आई होप यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी नेक्स्ट है अब मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं कितने कितनी बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में या कितनी बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की अगर हम बात करेंगे ये हमें कौन बताता है आई यू सी एन एज पर आई यू सी एन द टोटल नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑन द प्लेनेट इज अबाउट वन पॉइंट फाइव मिलियन कितनी स्पीशीज हैं प्लेनेट के ऊपर आपको बोलना है मिलियन स्पीशीज किसके ऊपर प्लेनेट के ऊपर लेकिन ये स्पीशीज कौन है नून जो क्या? जिसको हमने डिस्क्राइब किया है और जो जो हमें सब कुछ हर एक इंफॉर्मेशन स्पीशीज के बारे में पता है ठीक है इसको बोला जाता है ये क्या है ये मैग्नीट्यूड है बायोड वन पॉइंट फाइव मिलियन जो है ये नून है जो हमें पता है जिनको हम जानते हैं और डिस्क्राइब और इसके इन स्पीशीज के बारे में हमारे पास पूरी डिस्क्रिप्शन है पूरी डिटेल्स है और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है ये 1.5 मिलियन ऑन द प्लेनेट अर्थ पे लेकिन आगे क्या बोला जाता है एज पर सम अदर साइंटिफिक स्टडीज इट वेरियस इन बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन बाकी साइंटिफिक स्टडीज भी की गई हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं कि 1.7 से 1.8 है लेकिन इनमें से किस से 1.5 मिलियन में से सिर्फ 15 परसेंट वन मिलियन का 15 परसेंट जो है जितना भी आएगा ये द दिस नंबर इज ओनली 15 परसेंट ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द प्लेनेट दैट मीन जितने भी स्पीशीज प्लेनेट पे है उसका ये 1.5 मिलियन कितना रिप्रेजेंट करता है सिर्फ 15 दैट इज 18.5 हमें पता ही नहीं है है वो स्पीशीज़ प्रेजेंट लेकिन उनके बारे में हमें कुछ अभी पता ही नहीं कुछ डिस्क्रिप्शन ही पता नहीं है देखा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है ये कहाँ से आया क्या है क्या नहीं है साइज़ क्या है किस फाइलम से हैं किस आ, किस क्या बोलते हैं किंगडम से हैं ये हमें पता नहीं है लेकिन जो भी हमें नून स्पीशीज़ और डिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं ये रिप्रेजेंट करता है कितना फिफ्टीन तो परसेंट सिर्फ जो जितनी भी पूरे वर्ल्ड में स्पीशीज हैं जितनी भी पूरे वर्ल्ड में प्लेनेट पे, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे बोलोगे सर आपने तो वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव मिलियन बोरा पूरे अर्थ पे हैं पूरे प्लेनेट पे। हाँ वन पॉइंट फाइव तो है लेकिन ये नून और डिस्क्राइब्ड है ठीक है ये सिर्फ नू जिनको हम जानते हैं जिनके बारे में हमें सब एक हर एक इंफॉर्मेशन है लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है फिफ्टीन परसेंट इसका मतलब पूरे प्लेनेट पे उससे ज़्यादा भी है लेकिन जिनको हम नहीं जानते हैं जो बाकी एटी फाइव परसेंट बचता है देर आर मेनी स्पीशीज़ विच येट नॉट डिस्कवर्ड जिनको हमने डिस्कवर नहीं किया है एंड देन देयर आर मेनी स्पीशीज़ विच हैव बीन डिस्कवर्ड और कुछ स्पीशीज़ है जिनको हमने डिस्कवर किया है लेकिन उनके बारे में डिस्क्रिप्शन ही पता नहीं चलो स्पीशीज़ को देखा है लिस्ट आउट किया है ये स्पीशीज़ हैं लेकिन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ही पता नहीं है कि ये किस फाइलम से हैं ये किस स्पीशीज़ से हैं किस तरीके से हैं यह हमें पता नहीं है इसी को बोला जाता है कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जिनको हमने डिस्कवर नहीं किया है कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जिनको हमने डिस्कवर किया है लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है चलो हम अब आगे चलते हैं आगे लास्ट पॉइंट क्या लिखा है द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ वेरीज फ्रॉम फिफ्टी टू फिफ्टी मिलियन फाइव टू फिफ्टी मिलियन तो टोटल स्पीशीज कितने पूरे अर्थ पे फाइव टू फिफ्टी मिलियन है लेकिन इसमें से हमें सिर्फ जो नून और डिस्क्राइब्ड कितना है वन पॉइंट फाइव मिलियन ही है जो कि रिप्रेजेंट कितना करता है फिफ्टीन परसेंट बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकते हैं ये बायोडावर्सिटी को मेजर करना है कितनी बायोडाइवर्सिटी है इसको मेजर कैसे किया जाएगा ये कॉन्सेप्ट दिया है विटाकर ने इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है जेके एसएसबी के लिए कि दिस कॉन्सेप्ट वाज मेजरमेंट ऑफ बायोडावर्सिटी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय आपको टिप करना है किसको विटाकर को एज़ पर हिज स्कीम बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेजर इन थ्री वेज इसने बोला विटाकर ने एक बोला कि बायोडाइवर्सिटी को हम तीन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं एक को नाम दिया जाता है अल्फा डाइवर्सिटी दूसरा जो है बीटा डाइव एक अल्फा डाइवर्सिटी है दूसरा बीटा डाइवर्सिटी है और तीसरा जो है गामा डाइवर्सिटी और हमें समझना है कि अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है गामा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए रीजन कम्युनिटी और इकोसिस्टम एक रीजन में कितनी स्पीशीज है जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूँ टेन के तो दैट मीन्स एक रीजन में टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को जब आप काउंट करते हो उसको आप क्या नाम देते हो सीधे अल्फा डाइवर्सिटी नाम बोलते हैं जनरली इसी को बोला जाता था मैंने अभी बोला था ना स्पीशीज़ रिचनेस तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी एक्चुअली हमें बताता है स्पीशीज़ रिचनेस के बारे में थोड़ा सा पिछला आप याद करो जो मैंने बोला इसका मतलब जितनी भी सपोज टेन के स्पीशीज़ है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जितनी भी हैं एक एरिया के अंदर वो कौन कौन सी स्पीशीज हमें उससे मतलब नहीं है लेकिन टोटल जितनी भी स्पीशीज़ है ठीक है डॉग स्पीसने कैट स्पीसने ह्यूमन भी जितने भी है प्लांट्स है एनिमल्स है उन स्पीशीज को क्या करने के बाद वो टोटल जितना भी आ रहा है उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज एक रीजन में या एक कम्युनिटी में या एक इकोसिस्टम एक में और उसी को बोला जाता है स्पीशीज रिचनेस और इस स्पीशीज रिचनेस का दूसरा नाम क्या बोला जाता है आल्सो कॉल्ड एज विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर जितने भी स्पीशीज हैं उन वो सभी स्पीशीज को क्या बोला जाता है वो अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है मतलब ये होता है स्पीशीज रिचनेस या तीसरा नाम जो है उसको आप बोल सकते हो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी और ये क्वेश्चन पूछा गया है विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है आपको बोलना है अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है और अल्फा डाइवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस का दूसरा नाम क्या होता है तो आपको बोलता है अल्फा डाइवर्सिटी राइट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके बाद ये डायग्राम से भी मैं समझूंगा बीटा डाइवर्सिटी तो ये मैंने अभी एक एरिया की बात की यहाँ पर ठीक है एक एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो हो गया अल्फा डाइवर्सिटी चलो बीटा पे आते हैं रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन टू कम्युनिटीज यहाँ पर मैंने एक कम्युनिटी लिया है और यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी लिया है यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर दूसरा मैंने लिखा इसका मतलब यहाँ पर मैंने वन लिखा यहाँ पर मैंने टू लिखा यहाँ पर मैंने थ्री लिखा फोर फाइव सिक्स ये यहाँ की स्पीशीज है जब मैं इसमें जाता हूँ किस में कम्युनिटी सेकंड में जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर वन टू थ्री और यहाँ पर सेवन एट नाइन जो कि यूनिक स्पीशीज़ आती हैं दो कम्युनिटीज़ के अंदर वो है वन टू थ्री सेवन एट नाइन ना कि जो कॉमन स्पीशीज़ है जो ये यूनिक स्पीशीज़ होती हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में दो इकोसिस्टम्स के बीच में इसको बोला जाता है बीटा डाइवर्सिटी याद रखो तो टोटल दो कम्युनिटीज़ को कंबाइन करके तो टोटल डाइवर्सिटी कितनी आ गई बीटा डाइवर्सिटी कितनी आएगी कि इस कम्युनिटी इन दो एरियाज़ की तो आपको बोलना है टोटल जो है बीटा डाइवर्सिटी वो सिक्स आ जाएगा एक हो गया एक मिलाओगे नहीं करना, है। one, two, को नहीं करना है। मतलब वन हो गया एक स्पीशीज दूसरा हो गया दूसरा स्पीशीज तीसरा स्पीशिण, हो गया चौथा स्पीशीज एट्थ हो गया फोर फिफ्थ स्पीशीज और टोटल हो गया स्पीशीज इनको हम काउंट करते हैं जैसे मैं यहां पर बोलता हूँ ए बी सी डी ई एफ मैंने लिखा ये होगी एक स्पीशीज एक एर में स्पीशीज दूसरा मैंने लिखा डी ई एफ जी एच आई अब मुझे क्या बोला जाएगा मुझे बोला जाएगा इन बीटा डाइवर्सिटी बताओ आपको बोलना है ए बी सी ठीक है और यहां पर डी ई एफ जो है ये कॉमन है यहाँ पर डी ई एफ भी कॉमन है इनको नहीं लेना है जी एच आई लेना है तो ए बी सी हो गए तीन जी एच आई हो गया तीन तो टोटल कितना हो गया बीटा डाइवर्सिटी आपको बोलना है टोटल बीटा डाइवर्सिटी हो गया सिक्स यही लिखा है रेफर्स टू तो द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन टू कम्युनिटीज इट इज ऑप्टेन बाई कंपेयरिंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज यूनिक टू ईच ऑफ द कम्युनिटी जो तो कि तो यूनिक है कम्युनिटीज में ठीक है जो स्पीशीज कम्युनिटीज में यूनिक है और इसका दूसरा नाम जो इसको बोला जाता है बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्स क्योंकि ये दो कम्युनिटीज के को कंपेयर करके हम बताते हैं ना इसको बोलते हैं बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी और ये हम एक ही एरिया में एक ही कम्युनिटी की बात करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है अगर आप इस डायग्राम को देखोगे यहाँ पर दो कम्युनिटीज देखो यहाँ पर ध्यान से जब मैं स्पीशीज एरिया फर्स्ट में लेता हूं और एरिया सेकंड मैंने लिया यहां पर मैंने लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मैंने लिखा मुझे अल्फा डाइवर्सिटी बतानी है किसकी एरिया क्योंकि अल्फा डाइवर्सिटी जो होती है वो एक एरिया में कितने स्पीशीज़ है तो आपको बोलना है एरिया फर्स्ट में कितनी स्पीशीज़ आएंगे आपको बोलना है सिक्स मैं बोलूंगा अल्फा डाइवर्सिटी बताओ किसकी एरिया सेकंड की आप कितना बोलोगे टोटल कितना है सिक्स क्योंकि यहाँ पर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मैं बोलूंगा अगर मैं इसको थर्ड रखता हूँ मैं बोलूंगा थर्ड एरिया में थर्ड रीजन में आपको बताओ मुझे अल्फा डाइवर्सिटी कितनी है आप काउंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पर भी आप टोटल सिक्स करोगे दैट मीन्स अलग अलग एरिया में जब भी आप स्पीशीज को काउंट करते हो उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी लेकिन मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ मुझे बताओ अब बीटा डाइवर्सिटी कितनी है तो जब अब बीटा डाइवर्सिटी की बात करोगे आप दो कम्युनिटीज़ को कंपेयर करते हो आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो थर्ड और uh, क्या बोलते हैं इसको थर्ड और सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो आपका अपनी मर्जी अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ दैट मींस मैं क्यों बोल रहा है इसको बीटा डायव क्योंकि ये हम दो कम्युनिटीज़ को कंबाइन करके बोल रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में अगर देखोगे फर्स्ट और थर्ड में लिखता हूँ फर्स्ट में क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और थर्ड में क्या है सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व है ना यहाँ पर ध्यान से देखो फर्स्ट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन अलेवन डाइवर्सिटी बोलो आपको बोलना किस किस के में मैं बोलूंगा first और जब आप फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर कर रहे हो तो आप बीटा डाइवर्सिटी क्या बोलोगे आप बोलोगे यहाँ पर छे है फर्स्ट में और यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर बिल्कुल ये सभी यूनिक है और ये भी यूनिक है तो टोटल कितना हो गया इसके अच्छे और इसके अच्छे हो गए बारह लेकिन जब मैं बोलता हूँ बीटा डाइवर्सिटी आप बताओ मुझे किसके बारे में इन दो कम्युनिटीज फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके आप आपको देखना जो डिफरेंट स्पीशीज है इसकी तीन स्पीशीज डिफरेंट इसकी तीन स्पीशीज डिफरेंट है इन दो को कंपेयर करके बीटा डाइवर्सिटी आ जाएगा सिक्स बात समझ में आ रही है यहाँ पर लेकिन जब आप कंपेयर करोगे किसको सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करोगे मैं बोलूंगा बीटा डाइवर्सिटी बताओ आप बोलोगे बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सेवन एट नाइन तो सेवन एट नाइन सेवन एट नाइन को नहीं लेना है फोर फाइव सिक्स यहाँ के तीन हो गए और टेन अलेवन ट्व यहाँ की तीन हो गई तो टोटल कितना हो गया सिक्स हो गया आई होप यहां तक अल्फा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ठीक है ना अब देखो गामा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है गामा डाइवर्सिटी का मतलब है एक सेकंड रुको गामा डाइवर्सिटी रेफर्स द टोटल और ओवरऑल डाइवर्सिटी इन ए लैंडस्केप अब ये पूरा लैंड है ना ये पूरा लैंड है क्योंकि पूरे लैंड में मैंने एरिया फर्स्ट लिया था सेकंड लिया था थर्ड लिया था जितने भी स्पीशीज है इसके अंदर उन टोटल स्पीशीज को काउंट करके आप बताओगे ये गामा डाइवर्सिटी बस इन शॉर्ट तो गामा डाइवर्सिटी कितना आ जाएगा गामा डाइवर्सिटी आप कर, जब कैलकुलेट करोगे आप देखोगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब ये फोर फाइव सिक्स सेकंड में से नहीं लेना है सेकंड में सिर्फ से आप ले, ले लोगे सेवन एट नाइन फिर जब थर्ड पे आ जाओगे थर्ड में सेवन एट नाइन आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये सिमिलर स्पीशीज़ है इनको क्या काउंट करना है फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन अलेवन ट्वेल्व आ जाएगा तो दैट मीनस वन टू थ्री फर्स्ट में और फोर फाइव सिक्स फर्स्ट में ले लो अब यहाँ पर सेकंड में फोर फाइव सिक्स लेने की जरूरत नहीं है सेवन एट लाइन ले लो और थर्ड में ले लो आप टेन अलेवन ट्वेल्व जब आप काउंट करते हो थ्री 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 ये टोटल बन जाता है गवर्न डाइवर्सिटीज़ की ट्वेल्व यही मैंने लिखा रेफर्स टू द टोटल आर ओवर आल डाइवर्सिटी इन एन लैंडस्केप क्वेश्चन आएगा विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट गामा डायवर्सिटी इट रेफर्स टू द टोटल आर ओवर आल डाइवर्सिटी इन एन इको सिस्टम आपको उसको टिक करना है द लैंडस्केप विल किफरेंट इको सिस्टम और पूरे लैंडस्केप पे क्या है डिफरेंट इको सिस्टम होते हैं सब को कंबाइन करके जितनी भी स्पीशीज होती है वो गामा डायवर्सिटी में बोलते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इसलिए कितनी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होती है डिफरेंट अब क्वेश्चन आता है कि गामा डाइवर्सिटी किसके बराबर आपको बोलना गामा डाइवर्सिटी होता है अल्फा प्लस बीटा डाइवर्सिटी को मिलाकर हमें गामा डाइवर्सिटी बनती है आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कल हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या होती है और इससे आगे हम जाएंगे क्योंकि तीन चार लेक्चर्स पर इसको कंप्लीट करेंगे आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपको जीएस वाले पोर्शन में एक जो है टेंशन खत्म हो जाएगी कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो ठीक है तो कल का आपको करना है क्या आप इकोनॉमिक्स को प्लीज़ रिवाइज़ करो क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको रिवाइज़ करो मुझे पता है कहां कहां चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कब कब रिव्यूजन की ज़रूरत होती है आप हंड्रेड परसेंट सलेबस करके जाओगे लेकिन रिवाइज़ नहीं करोगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा जो आपने पढ़ा है वो भी गलत हो जाएगा वहां पर ठीक है ना तो आप जो मैं बोल रहा हूँ आप ट्रस्ट रखो आप पेशेंस रखो आप चलते जाओ सिलेबस कंप्लीट करना मेरा काम है क्योंकि जब तक आपका इकनॉमिक्स कवर करूंगा ना मैं तब तक आप पूरे इकोनॉमिक्स सिलेबस को एंड तक जब तक मैं कवर करूँगा तब तक आप मैं गारंटी देता हूँ पांच बार रिवाइज़ करोगे प्रीवियस टॉपिक्स को ये गारंटी है मेरी लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कल का वो पहले करो ठीक है और उसके साथ इकोलॉजी इन्वायमेंट भी रिवाइज मैं करवाऊँगा साथ जो ही मैं इकोलॉजी एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूंगा जल्दी मैं कंप्लीट करूँगा अब टॉपिक्स बहुत शॉर्ट है अब वास्ट नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स उतने वा, उतना वास्ट नहीं है तो आपका दोनों जो है रिवाइज हो जाएगा फिर आपको एक महीने रिवाइज करने की जरूरत नहीं है उन दोनों सब्जेक्ट्स को ठीक है so, सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट्स में लिखो आपको ये सेशन कैसा लगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी